बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ 30वां प्रकरण 20वीं चौपाई। रात पड़ी तब कोई न जागे, पीछे कोई न करे पुकार जी। निशाए नींद जोर बाड़ेगी, पीछे बढ़ेगा विष विस्तार जी। पीछे बढ़ेगा विष विस्तार जी। संझा लगे धनी रहसी साथ कारण, प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें प्रकाश की यह वाणी दी है इस सत्य का प्रकाश करने के लिए कि इस जागनी लीला में मैं कहाँ हूँ। अभी आपने सुना कि रात आने के बाद कोई जगता नहीं है। रात्रि का कार्य क्या होता है? रात्रि के घने अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। रात्रि की व्याख्या अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रूपों में है। सुंदर साथ एक कीर्तन का प्रकरण गाते हैं, प्राय हर कार्यक्रम में इसको गाया जाता है, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। महामती की आत्मा पुकार रही है कि मेरे प्राणेश्वर, मेरा हृदय ही आपका मंदिर है, इसमें आ जाइए। एक लटी परदेश मामूने मुकी ने मैं कहाँ चल लिया, आप मुझे अकेले छोड़कर इस माया के संसार में कहाँ चले गए। इसमें आगे आता है, जागी जहूँ ता पीवजे ने पासे, पछे तो थासी प्रभाते। अब इसमें रात्रि शब्द का अलग अर्थ है। देखिए, एक ही शब्द रात्रि है, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग भाव लिया जाएगा। जैसे पूरी वाणी में एक चीज दर्शाई गई है, इत दीपक को जला क्या करे, ये तो चौदह तप को तम। कलश में प्रसंग आता है, जान लिया कर दीपक। संसार के मनुष्यों ने अपने हाथ में ज्ञान का दीपक लेकर के सत्य को ढूंढना चाहा, लेकिन वाणी कह रही है पताल से लेकर वैकुंठ तक अंधेरा ही अंधेरा है। मूल प्रकृति मोहंते उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुए अंधेरे चौदह भवन। चौदह लोकों में अंधकार फैला हुआ है। कैसा अंधकार? अज्ञानता का अंधकार। हम सूरज उगने उगता है, सूर्य के प्रकाश में हम अपनी आंखों से बाह्य जगत को देखते हैं। हम बाह्य जगत को देखते हैं किंतु स्वयं को नहीं देख पाते, और बाह्य जगत को देखते देखते हम स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को देखते हैं तो बाह्य जगत हमसे अदृश्य हो गया रहता है। या जड़ सूर्य है, संसार को दिखाता है। ज्ञान रूपी सूर्य हमारे निज स्वरूप को दिखाता है, और हमारी निज स्वरूप का जो प्रीतम है उसको दिखाता है। इस ग्रंथ का नाम प्रकाश रखने का एक विशेष कारण है। देखिए, श्री देवचंद जी को राजी का दर्शन हो गया है। श्री देवचंद जी सब सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुना रहे हैं। 313 सुंदर साथ ने तारतम भी लिया है। वो दीवार पर लकीर खींच देते हैं तो यमुना जी का जल बह रहा है। श्री कृष्ण जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं, आरिका लीला होती है, और श्री कृष्ण जी के भेष में राजी सब सुंदर साथ से हंसते बोलते हैं, मांग मांग कर खाते भी हैं, कहते हैं कि आज नमक ज़्यादा है कम है, ऐसी लीला हो रही है। लेकिन वाणी फिर भी क्या कहती है, आवेश जाकू में देखे पूरे सो योग माया की नींद हो। योग माया की निद्रा में बता दिया, राज्य का आवेश है, तीन बार दर्शन कर चुके हैं फिर भी निद्रा है। निद्रा कब हटती है? समय 1735 में, बरस 99 लो रही हुरम। 99 वर्ष तक श्यामा जी की आत्मा पर जागने का प्रकाश नहीं फैला है, किंतु ये प्रकाश वाणी
सब सुंदर साथ के लिए पर्दा खोल देने वाली है। संसार में सारे चारों तरफ अंधकार फैला था, कोई जानता ही नहीं था। तभी तो आज बड़े बड़े विद्वान भी क्या कहते हैं प्रवाही समाज के, वृंदावनम प्रत्यक्ष पदम एकम न गच्छत। रास के पहले प्रकरण की पहली चौपाई कहाँ से शुरू होती है? रास खेल के आए घर, उम्मीदा न हुई या पूर्ण धाक मन में रही, तब श्यामा जी को धनी है हुक्म ऐसो की उसे। हम रास खेलने के पश्चात परम धाम गए, इच्छा पूरी न होने के कारण पुनः इस संसार में आना पड़ा। यह प्रकाश की वाणी इस सत्य का प्रकाश कर रही है, बैठा आपण माहे कहे छे पर साथ माहे कोई विरलो रहे। महावती जी के धाम हृदय में बैठकर अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, इस सत्य का प्रकाश करने के लिए ये प्रकाश ग्रंथ अवतरित किया गया है। हम सुंदर साथ प्रकाश ग्रंथ को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मैंने सवेरे की चर्चा में कहा था हम रास ग्रंथ को भी बहुत हल्के में ले लेते हैं, परंतु हम की ब्रह्मवाणी के एक एक शब्दों में वहदत का रस पिरोया है। श्यामा जी क्या है? क्रंदन का एक प्रकरण है, सब सुंदर साथ कितने आनंद से गाते हैं, श्यामा जी श्याम के सम। एक बात देखिए, हाथी नूर है हक का, हाथी नूर है हक का, राज्य का नूर क्या है? श्यामा जी। परम धाम की वहदत को समझने के लिए समझना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो तो क्या कहते हैं, इनके चेहरे का नूर चला गया है। राज्य का हृदय ही श्यामा जी है, हृदय ही तो सब कुछ है, लेकिन वह श्यामा जी अपने धाम हृदय में बैठी हुई अक्षरातीत को नहीं जानती है, बिठा रखा है, राज्य लीला कर रहे हैं फिर भी अंधकार है। तभी तो 69 चिट्ठियां क्यों लिखवा रहे हैं देवचंद जी कि मिराज तुम कह दोगे तो राजी तुम्हारी बात मान लेंगे और मेरे तन से जागनी होनी चाहिए। ये कौन कहला रहा है? माया की निद्रा कहला रही है। लेकिन प्रकाशवाणी क्या कह रही है कि बड़ी बड़ाई दई आप थे लिंद्रावती कंठ लगाए जी। राजी ने कह दिया कि मैं महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हूँ, बड़ी बड़ाई दई आप थे लिंद्रावती कंठ लगाए जी। अपने समान सारी शोभा दे रखी है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात देखिए कि सर्वशक्तिमान अक्षरातीत हैं, लेकिन वे भी जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। कहावत कही जाती है ना कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान का अर्थ है ना कि परमात्मा झूठ भी बोल दे, परमात्मा चोरी भी कर दे, परमात्मा बुरा भी कर सकते। जो सत्य है वो सत्य के अनुकूल ही कार्य करेगा, वो मिथ्या नहीं कर सकता, सूर्य अंधेरा नहीं करेगा। प्रकृति का जो शाश्वत सत्य सिद्धांत है परमात्मा उसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। इसलिए महामती जी के धाम में हृदय में एक ऐसी विचित्र शोभा है जो अब तक कभी नहीं हुई न कभी होगी। मूल मिलावे में जिब्रील नहीं जा सकता, असराफील नहीं जा सकता। अक्षर की आत्मा को अपना आवेश स्वरूप दे, अपना प्रेम का स्वरूप देकर राजी ने एक बार केवल बुलाया था। अनादिकाल से अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में से दर्शन करके चले जाते हैं, श्यामा जी को भी नहीं देख पाते, राजी का आधा मुखार भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन राजी ने वह अवसर दिया केवल एक बार अक्षर की आत्मा को कि नक्ष से सिखता की युगल स्वरूप को देखे। और श्यामा जी की आत्मा अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसा चुकी है, तीन तीन बार दर्शन कर चुकी है, सब सुंदर साथ को परम धाम की चर्चा भी सुना रही है, 25 पक्षों का वर्णन भी कर रही है, फिर भी एक अंधेरा है जो प्रकाश ग्रंथ से मिटता है, और वह कि तुम रूहे मेरे तन हो। हम सभी किसके तन है? राज्य के। 100 दिन की चर्चा में, 100 दिन के कार्यक्रम में एक चर्चा हुई थी, आपन में बैठे आधार खेल दिखाया खोल के द्वार। आपन में बैठे आधार, हमारा प्राणेश्वर हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। और 5वें दिन की लीला में किसको शोभा दे रखी है? महामती जी के धाम हृदय को। माया की निद्रा जब उड़ जाती है तो सत्य का प्रकाश होता है,
तारतम ज्ञान का आशय क्या है? धाम से लाई तारतम करी ब्रह्मांड में रोशनाई। तारतम ज्ञान का उजाला होता है तो सत्य का प्रकाश होता है। आप देखिए गीता में एक विचित्र बात कही गई है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्निमी, अज्ञानता की वह रात्रि है जिसमें सन्निमी पुरुष जागता है। सन्निमी किसको कहते हैं? जो धारणा ध्यान समाधि की प्रक्रिया करता है उसको सन्निमी पुरुष कहते हैं। जो ध्यान अवस्थित होता है वो जागृत होता है, स्वयं के स्वरूप को देखता है। गीता ये कहना चाह रही है, अज्ञानता की रात्रि है, भले ही दोपहर का सूरज उगा हुआ तो क्या, यदि हम अपने को नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं अज्ञानता की रात्रि में हम सो रहे हैं। 12 बजे का समय है, सूरज तो उगा होता है। जैसे आप भी सुंदर साथ हैं, मैं पूछूं कि आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं, आप भी क्या कहेंगे? हम जगे हुए हैं तभी तो आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आपकी बातें आंशिक सत्य हैं, पूर्ण सत्य नहीं। आप बाह्य रूप से जगे हैं, अंदर से नहीं जगे हैं। जो जाग बैठे धाम में ताए आवेश को क्या कहिए। आज कलश का प्रसंग नहीं है, प्रसंग के अनुसार मैंने कह दिया। गीता कहती है कि अज्ञानता की रात्रि से जगो। तारतम वाणी में विशेष बात दर्शाई गई है। अभी मैं जो प्रसंग कह रहा था, तारतम ज्ञान का उजाला अज्ञानता की रात्रि से हमें जगा देता है, सत्य की पहचान करा देता है। ये बहुत बड़ी चीज है। यदि हम सत्य की पहचान नहीं करते तो क्या होगा? सत्य की प्राप्ति हमें नहीं हो सकेगी। जैसे आप में से अधिकतर सुंदर साथ हैं, जब तारतम नहीं लिए थे तो हो सकता है आप भी किसकी आराधना करते होंगे, आपको मालूम है, आप शालिग्राम की, शिवलिंग की, सबकी पूजा करते थे। लेकिन तारतम ज्ञान ने यह दर्शा दिया कि आप एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत के अनन्य प्रेमी हैं और उनके अतिरिक्त अन्य किसी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गीता कहती है कि पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभे तु अनन्य। अब कुछ भी हो जाए, एक राज्य के सिवा अन्य कोई आपका आराध्य नहीं बन सकता। ये किसने किया? तारतम ज्ञान के उजाले ने। लेकिन अज्ञानता का अंधकार हट गया तो एक अंधकार की और आवश्यकता पड़ेगी। मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं। महामती जी की आत्मा कहती है, जागे जो पीवजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते। जागृत होकर के जब मैं देख रही हूं, जागे जो पीवजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते, जब जागृत होकर देखती हूं तो आप मुझे दिखाई नहीं दे पड़ रहे हैं। आपके तारतम ज्ञान के उजाले में मैं देख रही हूं तो आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप शर्त रख देते हैं कि इल्म ज्ञान मिला तो ज्ञान के साथ विरह और प्रेम लाओ, लाओ प्यार करो, दीदार तो मैं दीदार दूंगा। दीदार पाने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंखें बंद करेंगे तो क्या होगा? अंधेरा होगा। बिना अंधेरे के आपका ध्यान लग ही नहीं सकता। सुंदर साथ में बहुत बड़ी भ्रांति है। क्या कहते हैं? हम चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं। चलते फिरते चितवनी आज तक न कोई कर पाया है न कर सकेगा। जब श्यामा जी जिस देवचंद जी के तन में हैं, चितवनी कर रहे होते हैं देवचंद जी, उनकी सुरता अखंड ब्रज में गई होती है, घुघनी का प्रसाद खाना होता है और ध्यान में ही हाथ नीचे करते हैं, हाथ टकराता है तो उनको शरीर का आभास होता है, सुरता टूट जाती है और जो दर्शन था वो बंद हो जाता है। जब साक्षात श्यामा जी को केवल हाथ के हिलने मात्र से दर्शन बंद होता है तो आप चलते फिरते बातें करते चितवनी कैसे कर सकते हैं? ये चितवनी नहीं है, ये भावलीनता है। जब आंखें बंद करते हैं ध्यान में तो क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। यदि वो अंधेरा नहीं छाता, आप शरीर को भूलते नहीं। देखिए जब आप सोते हैं तो क्या करते हैं? शरीर को भूल गए होते हैं, आपकी आंखें बंद होती है, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसी तरह से अंतः चक्षु तब तक नहीं खुलेंगे जब तक बाहर के चक्षु बंद न हो। महामती जी की आत्मा कह रही है कि जागे जो ता पीवजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते।
आपके तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाकर अब मेरी आत्मा जागृत हो गई है, तो मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। अब तो थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा, प्रभात हो जाएगा, तो प्रिया प्रीतम की लीला नहीं हो सकती। इसलिए प्रकाश हिंदुस्तानी अभी यहाँ जो प्रसंग है कि जागे जोता पीज न पासे पछे तो था से प्रभाते, यहाँ रात्रि का अर्थ क्या है? वह रात्रि नहीं, वह रात्रि जो एक अवसर प्रदान करती है, यहाँ रात आवश्यक है। अज्ञानता की रात्रि को हटाना आवश्यक है तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से, लेकिन एक रात्रि एक अवसर मिलना है। जैसे प्रिया प्रीतम की लीला कहाँ हो सकती है? अंधकार में। जैसे मैंने आपको बताया कि हम चित्वनी रूपी प्रक्रिया को करते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, हम शरीर से परे हो जाते हैं, अब हमारी आत्मा प्रीतम के प्रेम में डूबने लगती है। सब सुंदर साथ के सामने यही प्रश्न खड़ा है कि संध्या समय लगे रहसी साथ कारण। देखिए प्रातः काल उगता है, सूरज हल्के हल्के उगने लगता है, दोपहर का सूरज प्रचंड ताप से चमकने लगता है, शाम ढलती है पुनः रात आ जाती है। प्रकाश हिंदुस्तानी के इस प्रकरण में जागने के संदर्भ में बहुत बड़ी ऊंची बात कही गई है। जब तक से सतगुरु धन श्री देवचंद जी तारतम्य ज्ञान लेकर नहीं आए थे तब तक क्या था? सारे ब्रह्मांड में घनघोर अंधकार छाया हुआ था। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश आता है, दूसरे तन में लीला प्रारंभ होती है, परम धाम की वाणी अवतरित होनी शुरू होती है, लेकिन अभी भी अंधकार है। 1735 के पश्चात सूरज उगता है, लालिमा छाती है, इसलिए खुलासा की वाणी को क्या कहा गया है? प्रातःकाल की वाणी। दोपहर की वाणी क्या है? 1748 में तारतम ज्ञान का सूरज प्रचंड तेज से चमक रहा है, कोई संशय नहीं रह गया कौन अक्षरातीत है, ये प्राणनाथ अक्षरातीत है, यही अक्षरातीत है, यही है धनिताओं। उसके पहले पूरी तरह से रात्रि है, ब्रज की लीला पूरी निद्रा की लीला है, रास की लीला आधी नींद और आधी रात्रि की लीला है। देवचंद जी के तन से तारतम उतर रहा है, आवेश चाको में देखे पूरे सो जोग माया की नींद हो। सुंदर साहब जी, सत्य बहुत कड़वा होता है, आपको बुखार लगता है, आप चाहें कि मीठी गोली हमें गुलाब जामुन की तरह मीठी गोली मिले तो संभव नहीं है, हमें सत्य को सुनने के लिए तैयार रहना होगा। पहले तो समाज में जो विचारधाराएं चलती हैं वह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कल्पित होती है, वाणी अक्षरातीत की है और वाणी के कथनों पर कोई संशय नहीं करना चाहिए। वाणी क्या कहती है? एक सुख सुपन के दूजा जागते जे हो, तीन लीला पहली ए चौथी फर्क एता इंदो। तीन लीला पहली ए चौथी फर्क एता इंदो। ब्रज रास और श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला स्वप्न के समान है, निद्रा में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूरी मारिफत सागर की वाणी निकाल कर देखिए। सूरज उगता है तब तो सत्य की पहचान हो जाती हो जानी चाहिए ना। श्री देवचंद जी का तन छूटता है, सुंदर साथ क्या सोचे बैठते हैं कि राज्य तो गादी में विराजमान है, इसलिए बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठा दिया जाता है, और वह भी पुत्र के नाते। बिहारी जी को कुछ पता नहीं कि अक्षरातीत किस बला का नाम है, पुत्र होने के नाते गादी पर बैठ जाते हैं और सुंदर साथ गादी के नाम पर उनको अक्षरातीत मान लेते हैं। वाणी क्या कह रही है कि महामती जी के धाम निर्देश से अब वाणी का प्रस्फुटन होता है, अब उजाला होता है। जब खुलासा की वाणी उतरती है उसके पहले भी अभी अंधकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सोचेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि राज ग्रंथ में ये अनमोल रहस्य है, प्रकाश ग्रंथ में ये अनमोल रहस्य है। राज जी ने तो महामती जी के तन से सत्य का सूरज उगा दिया, लेकिन जैसे कहते हैं ना, सूरज उगा है लेकिन बादलों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। लालिमा जब छा जाती है, खुलासा की वाणी उतरते हैं तो उसको कहते हैं प्रातःकाल की वाणी है। अब खुलासा के बाद क्या अवतरित होता है? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर। अब ये सागर श्रृंगार उतरते उतरते संबत 1740 के बाद का समय आ जाता है।
1735 से श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं, कोई संशय नहीं रह गया है। अब सब सुंदर साथ क्या समझते हैं कि अब साक्षात अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। अब देखेंगे दिल्ली का प्रसंग आता है, जब श्री जी उदयपुर पहुंचते हैं तो मुकुंदन सिंह की आत्मा पर अभी भी अजंता का अंधकार है, पहचान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली से लीला प्रारंभ हो चुकी है, प्रेम जी, नाग जी और संग जी जाते हैं। जब श्री जी की चर्चा हो रही होती है तो वहाँ देवचंद जी को बैठे हुए उन्हें दर्शन होता है, वहाँ से ये लीला प्रारंभ होती है, आवेश लीला। उदयपुर में भी दर्शन होते हैं और उसके पश्चात पन्ना जी में तो सबने पहचान लिया कि यही साक्षात अक्षरातीत है। ये प्रकाशवाणी का मूल उद्देश्य है श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की यथार्थ पहचान कराना। हम सुंदर साथ बड़े बड़े पाठ पारायण कर लेते हैं, हमारे समाज में 1100 ये 1200 भी पारायण हो चुके, 12000 भी हो चुके, बहुत पारायण हो गए। मुझे लगता है मैंने जीवन में 5 बार भी पारायण नहीं किया होगा आज तक। मैं जो कुछ बोल पाता हूँ राज्य की कृपा की दृष्टि से बोल पाता हूँ। आप सोचिए, अक्षरातीत महामति जी के धाम हृदय में विराजमान होकर प्रकाश की वाणी उतारते हैं, केवल इसलिए यह बताने के लिए आपन में बैठे आधार खेल दिखाया खोल के द्वार। यह बात आज तक किसी को नहीं मालूम थी। कड़वा सच कहूँ, अपने हृदय को मजबूत कीजिए। परम धाम में क्या श्यामा जी को मालूम था कि राजी मेरे हृदय में है? नहीं। सखियों को मालूम था? नहीं। प्रकाश की सरल सी चौपाइयाँ कह देती हैं, जिस तन से लीला हो रही है वो तन सिफारिश करवा रहे हो, खुद को पता नहीं कि मैं कौन हूं। अब जिसने प्रकाश वाणी का मंथन कर लिया वो दावे से क्या कह देगा, बैठा आपण माहे कहे पड़सात माहे कोई बिटलो रहे। बड़ी बड़ाई दई आप थे ले इंद्रावती कंठ लगाई जी, महामती जी के धाम हृदय में जोश है, आवेश है, सत्यंग अक्षर की आत्मा है, श्यामा जी है, जागृत बुद्धि है, सचित आनंद के साथ जोश भी है और जागृत बुद्धि भी है, पांचों स्वरूप विराजमान है। जबकि मूल मिलाव में पांचों स्वरूप इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसी विचित्र शोभा दे दी है महामती जी को। सब थे बड़ी मुझे करी ऐसी करी न को, लेकिन आज इतने 100 वर्ष व्यतीत हो गए। दुर्भाग्य है इस समाज का कि हम सुंदर साथ प्राणनाथ जी के स्वरूप की आज तक पहचान नहीं करेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है इस प्रकरण में कि इन उजाले जो न पहचाने तो आपन बड़े गुनहगार जी। कौन सा उजाला? तारतम ज्ञान का उजाला। आगे क्या कहा जा रहा है कि संझा समय लगे सी रहसी साथ जी, जब तक संध्या का समय होगा तभी तक राजी रहेंगे। ये संध्या का समय क्या है? देखिए, अभी मैंने रात्रि शब्द के बारे में बोला, रात्रि कई है, एक समष्टि रात्रि है, एक व्यष्टि रात्रि है। समष्टि रात्रि जो पहले तो दो रात्रि का भेद पलेगा, बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं जाहिरी और बातिनी। ये जो प्रत्यक्ष रात्रि अभी आप बैठे हैं जिसमें विद्युत के प्रकाश स्रोतों के माध्यम से प्रकाश किया जा रहा है, बाहर निकलेंगे जहाँ विद्युत बल्ब नहीं होंगे अंधेरा हो जाएगा। एक दूसरी रात्रि है भावात्मक रात्रि, अज्ञानता के अंधकार की रात्रि। वह कैसे मिटती है? ज्ञान के उजाले में। तारतम ज्ञान का उजाला आया तो अंधकार मिट गया। वाणी में वह तारतम ज्ञान का सूरज विराजमान हो गया, यह समष्टि अंधकार मिट गया। धाम से लाई तारतम करी ब्रह्मांड में रुसलाई। लेकिन वह तो पुरानी बात हो गई, 300 वर्ष से ज्यादा हो गए। अब हम सुंदर साथ जब हमें तारतम नहीं मिला होता है, वाणी का चिंतन नहीं किए होते हैं, तो अंधकार तो हम सबके हृदय में बना ही रहता है। इसलिए यह अंधकार जो है व्यष्टि अंधकार है, हर व्यक्ति का अपना अंधकार है। श्री जी के तन से देखिए, 1712 में श्री देवचंद जी का तन ओझल हो जाता है, उसके पश्चात मिहिराज के तन से लीला होती है,
हबसे में राज प्रकाश सरस्वती की वाणी उतर रही है, सत्य का प्रकाश करने वाली वाणी है। लेकिन क्या होता है, तब केतिक गिरो उधर भई और केतिक मेरे साथ, दई जाहिर मसनन नसली है, दूजी बातें मेरे हाथ। गादी पूजा वाले सुंदर साथ बिहारी जी की तरफ हो जाते हैं। श्री जी के मुखारविंद से परम धाम की वाणी सुनकर सुंदर साथ का एक बहुत बड़ा समूह उनके साथ हो जाता है। 5000 सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आकर पन्ना जी तक पहुंचता है। कालांतर में ऐसा भी होता है, वाणी का प्रकाश मध्यम पड़ने लगता है। आप देखिए कि अब तो छापे खाने बन गए, वाणी घर घर पहुंच गई। नहीं तो आज से 100 वर्ष पहले जो बड़े बड़े विशिष्ट व्यक्तित्व होते थे, केवल उनको ही सौभाग्य मिलता था कि वाणी का पूरा पारायण कर पाते। हर सुंदर साथ को संभव के लिए संभव नहीं था कि वो पूरी वाणी पढ़ सके, क्योंकि हस्तलिखित होती थी। किसी भी मंदिर में एक या दो प्रतियां ही लिखी होती थी। आज सबके पास वाणी है, तो आज वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं। लेकिन वाणी का हम कितना वाणी को आत्मसात कर पाते हैं, हमें दीक्षा रूप में 6 चौपाइयां सुना दी जाती है, उसके पश्चात वाणी का प्रकाश हमारे अंदर कितना आता है। तो हर सुंदर साथ के जीवन में एक रात्रि आती है, प्रातः काल होता है, दोपहर होता है, पुनः शाम होती है, और उसके पश्चात रात्रि होती है। वाणी कह रही है कि इन उजाले जो न पहचाने तो आपन बड़े गुनहगार जी। यदि तात्विक ज्ञान के उजाले में हम राज्य को नहीं पहचानते हैं तो हम बड़े बड़े अपराधी होंगे, क्योंकि तात्विक ज्ञान का सूरज चमक रहा है। छठे दिन की लीला में हर सुंदर साथ जो समस्त रूप से सबके साथ घटता है, कि देवचंद जी का तन जब तक लीला करता रहा होता है केवल अंधकार होता है। भाई जिन सुंदर साथ की निष्ठा सतगुरु धनुष देवचंद जी पर है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं जैसे आप श्यामा जी का सम्मान करते हैं, मेरे लिए भी तो वही है। मैं तो लीला की बात कर रहा हूँ। जब वही श्यामा जी दूसरे तन में आती है, दूसरे तन की लीला करती हैं, तो पूर्ण जागने की लीला होती है और महामती जी के तन से वाणी का उत्तरण होता है। इसी को तो कहते हैं ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस। राज्य के हृदय का जो रस है श्यामा जी महामती जी के तन से प्रकट कर रही है। श्यामा जी का ही दूसरा तन है महामती का, कोई अलग नहीं है। हम सुंदर साथ बाहर की आंखों से देखते हैं तो क्या कहते हैं, मिहराज बड़े हो गए, देवचंद जी छोटे हो गए, क्योंकि उनमें इंद्रावती की आत्मा है। एक वर्ग कहेगा कि नहीं, देवचंद जी किस शिष्य हैं, महामती प्राणनाथ। दोनों इससे ही भ्रम हो रहा है। परम धाम की वैदत में जो श्यामा जी हैं वही सखियां हैं। परम धाम की एक वैदत में एकत्व में श्यामा जी और सखियों में राज्य में कोई अंतर नहीं है। राज्य श्यामा जी हैं, सखियां अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी, ये पांचों अद्वैत एक ठोर। ये वहां की दृश्य देखें तो कोई भेद नहीं दिखता। आप खुलासे में जाइए, वाणी क्या कहती है, न अर्श जी में दूसरा कोई और धरावे, न परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है। वाणी के इस कथन के अनुसार मार्फत के दृश्य न श्यामा जी है, न सखियां हैं, न अक्षत ब्रह्म है, न मां लक्ष्मी है, कुछ नहीं है, केवल राज्य है। राज्य ही सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। लेकिन जब हम शरीयत की दुनिया में आ जाते हैं तो हमें दिखने लगता है कि देवचंद जी से तारतम किसने लिया, महामती प्राणनाथ ने। महामती प्राणनाथ क्यों तारतम लेंगे, मिहराज लेंगे। देवचंद जी के अंदर कौन विराजमान है, स्वयं श्री प्राणनाथ विराजमान है। इसी प्रकार हिंदुस्तानी में प्रगटवाणी में एक चौपाई आती है, तब श्रीमुख बचन कहे प्राणनाथ ढूंढ कारणों अपनों साथ। प्राणनाथ कौन है, जो गांगजी भाई से बातें कर रहा है वह प्राणनाथ है। श्री देवचंद जी के तन में प्राणनाथ बैठे हैं, लेकिन उस तन से लीला जो होनी है अभी रात्रि की लीला चल रही है। जब समस्त रूप में ज्ञान का उजाला होता है, देवचंद जी के तन का ओझल होना, 1715 से वाणी का प्रकाश फैलने लगना, राज प्रकाश खटुती कलश उतर जाता है, सनंद उतर जाती है, और उसके पश्चात किरंतन के काफी प्रकरण उतर जाते हैं। खुलासा का समय आते आते 1735 का समय पूरा हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है।
अब वहाँ से श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। पन्ना जी में जब खिलवत की वाणी उतरती है तो परमधाम का खजाना शुरू हो जाता है। खुलासा की वाणी उतरते समय लालिमा छा गई होती है, उजाला फैल जाता है, प्रातःकाल का 6 बज गए होते हैं। खिलवत उतरती है 8, 9, 10 बज जाते हैं। परिक्रमा, सागर, श्रृंगार उतरते उतरते दोपहर का सूरज चमकने लगता है। ये है समस्त रूप में उजाला होना। हम अपने अंदर देखें कि 6ठे दिन की लीला चल रही है, यदि हम वाणी का चिंतन नहीं करते हैं तो हमारे लिए अंधकार की रात्रि है। वाणी का प्रकाश आ जाता है तो इन उजाले जो न पहचाने तो अपन बड़े गुनहगार जी। वाणी तो सब सुंदर साथ पढ़ते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध स्थान के एक पुजारी जी प्रवचन कर रहे थे, मैं सारी बात नहीं कहूँगा। उनका प्रवचन क्या था, उन कट शब्दों का मैं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उनकी दृष्टि में प्राणनाथ जी एक संत महापुरुष से अधिक कुछ नहीं ठहर रहे थे। और चूंकि ऊंचे स्थान पर वो बैठे थे, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कहने का से क्या है, और ऐसा व्यक्ति जो कितनों को तालीम देता है, अब वो अपने देश में नहीं है, बाहर चले गए हैं। उन्होंने उस चर्चा में यहाँ तक कह दिया कि गुमर जी में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, वो तो मजे समाधि है। आप सोचिए, वाणी की तालीम दे रहे हैं, दर्जनों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं कि प्राणनाथ कहते किसको है। मैंने कहा एक व्यक्तिगत अंधकार है, हम वाणी पढ़ भी लेते हैं और प्राणनाथ जी की पहचान नहीं करते हैं कि महामती जी के धाम हृदय में कौन बैठा है, तो अभी भी हमारे अंदर अंधकार ही है। संध्या समय क्या है, रात्रि का समय क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। अब रात्रि में राज्य मिलते हैं और रात्रि में नहीं भी मिलते हैं। रात्रि कैसे, जाहिरी रात्रि को मिटाना पड़ेगा, बातिनी रात को प्रकट करना पड़ेगा। बातिनी रात वह जब वह शरीर से संसार से परे हो जाते हैं, बाहर की आंखों को बंद कर लेते हैं, विरह और प्रेम की धारा आपके अंदर जब प्रवाहित होती है तो संसार रहते हुए भी नहीं रहता है। देखिए, मनुष्य रोता कब है, जब बहुत खुश होता है तब रोता है, या बहुत दुखी होता है तब रोता है। कोई बहुत किसी से प्रेम पाता है तो रोता है, या बहुत घृणा पाता है तो रोता है। उसी तरह से एक रात्रि शब्द है। जैसे मैंने कहा कि जागे जाऊं ता पीज न पासे, पछे तो था से प्रभाते, कल कली ने कहूं छू तमने, आओ जी आनो खिड़े, राजी अभी आ जाओ, मैं रो रो कर पुकार रही हूं, नहीं तो थोड़ी देर में तो उजाला फैल जाएगा। यहाँ रात्रि की आवश्यकता है, क्योंकि अब विरह और प्रेम की लीला होनी है। यदि पहचान नहीं है तो वहाँ रात्रि का अंधकार मिटाने की आवश्यकता है। एक ही शब्द है, अलग अलग भाव लेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक हिंदी में एक कविता है, हरि बोला हरि ने सुना, हर गए हर के पास, वे हरि हरि में गए, हरि भई बहुत उदास, मेढक ने बोला सर्प ने सुना, और जब सर्प मेढक के पास आता है तो हरि हरि में गए, मेढक पानी में गया, हरि भय उदास। एक ही हरि के तीन अर्थ है, सर्प है, मेढक है, पानी है। उसी तरह से एक ही रात्रि शब्द है। संध्या समय लगसी रहसी सात कारण, सुंदर सात के लिए राजी संध्या समय तक रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, रात्रि का घना अंधकार हो जाएगा, और रात्रि के घने अंधकार में राजी नहीं मिलेगी। कैसे, संध्या समय क्या है, देखिए देवचंद जी के तन से जो लीला होती है रात्रि के समय में लीला होती है, महामती जी के तन से जो लीला प्रारंभ होती है सम्मत 1722 के पश्चात थोड़ा थोड़ा धुधलका होने लगता है कि प्रातःकाल अब होने वाला है। 35 के पश्चात लालिमा छा जाती है, सूरज लालिमा भरा सूरज उग जाता है।
प्रचंड ताप से सूरज उग चुका है मारिफत सागर के अवतरित होने के पश्चात और सबको पहचान हो गई है। श्री जी के चरणों में जो 5000 सुंदर साथ हैं सबने मान लिया कि साक्षात अक्षरातीत हैं। अब क्या होना है, लीला को छिपाना है, सुंदर साथ को शोभा देनी है छठे दिन की लीला में। इसलिए संध्या समय लग रहसी सात कारण सुंदर साथ के लिए श्री जी संध्या के समय तक रहेंगे, उसके बाद रात्रि हो जाएगी। ये सब कुछ अलंकारिक वर्णन है। यदि आप जानते हैं शाम ढलती है रात आती है, संध्या होने का तात्पर्य क्या है, परछाइयों का लंबी होना और रात्रि का संकेत है। यदि प्रचंड सूर्य के प्रकाश में जब दोपहर का सूरज तप रहा था तो यदि सुंदर साथ ने विरह प्रेम की सरिता अपने अंदर प्रवाहित कर ली और विरह की भट्टी में अपनी आंखों को बंद कर लिया कि मुझे इस शरीर और संसार को देखना नहीं है, शरीर का आभास नहीं करना है, मैं संसार के सारे संसारिक प्रेमियों की बात आपको कहता हूँ, एक घटना मैं बता देता हूँ आपको, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। रामायण में वो घटना है, सती के को बहुत मना करते हैं भगवान शिव कि दक्ष के यज्ञ में न जाओ। सती सोचती है कि मेरे पिता ही तो यज्ञ करा रहे हैं। वहाँ जाती है, शिव का अपमान देखती है तो अपने प्राण छोड़ देती है अग्निकुट में। फिर शंकर जी अपने सेवक वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। शरीर सती का शरीर छूटना शंकर जी के लिए बहुत कष्टकारी होता है और वे अखंड समाधि लगा करके बैठ जाते हैं कि अब मुझे इस संसार को देखना ही नहीं है। देवताओं में संकट आ जाता है कि भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटेगी तो सृष्टि का तो विनाश हो जाएगा। आप सोचिए, सती का वियोग भगवान शिव को स्वीकार नहीं है तो उन्होंने आंखें बंद कर ली कि मुझे संसार को नहीं देखना है। हमारे लिए हमारा प्राणेश्वर सागर श्रृंगार की वाणी लेकर आया है, क्या हम सुंदर साथ प्रतिदिन आंखें बंद करके एक घंटे का समय दे सकते हैं? नहीं, सभी नहीं दे सकते। जिन सुंदर साथ पर विशेष कृपा होती है, पानी का प्रकाश मिलता है, हृदय में विरह प्रेम के आंसू ढलकते हैं, वह तन सोचता है कि चलो आधे घंटा एक घंटा दो घंटा तो अपने प्राणेश्वर को जी भर करके निहार ले। यदि तारतम ज्ञान का प्रकाश पाने के बाद जैसे दोपहर में पूर्ण उजाला, प्रातःकाल कम उजाला, शाम होने के बाद लगता है कि अब रात होने वाली है, ये संध्या के समय क्या है, अलंकारिक वर्णन है। हर व्यक्ति के जीवन में प्रातःकाल आता है, दोपहर ही आती है, शाम का दुधलका आता है, उसके बाद रात रहती है। तारतम ज्ञान का प्रकाश आने के बाद यदि सुंदर साथ केवल शुष्क ज्ञान में डूब जाता है, अपने प्राणेश्वर की पहचान नहीं कर पाता है, तो उसके लिए वो शाम है और निश्चित है कि रात्रि का अंधकार आ जाएगा। इसी को वेद ने दूसरे शब्दों में कह दिया, अंधा तमना प्रविशंत्ये अविद्यायाम उपास्ते। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि आपको शुष्क लगेगा। जो बहुत विद्वान है, विद्या में रत हैं, दिन रात ज्ञान ही में लगे हैं लेकिन प्रेम नहीं है तो क्या होगा? लक्ष्य को जानेंगे तो, कहेंगे तो, लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। अविद्या में क्या है, जिसको बिल्कुल ज्ञान न हो। वेद ने यह कह दिया कि अविद्या वालों से ज्यादा दोषी विद्या वाले हैं। ये शाम का धुतलका है, हमने वाणी तो पढ़ी, बीतक भी पढ़ी, लेकिन प्राण राज्य के स्वरूप को जान नहीं पा रहे। आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग प्राण राज्य को क्या कहता है, संत है, महापुरुष है, कवि है, राष्ट्रीय संत घोषित किया जाता है और एक कमी निकाल दी जाती है कि प्राणनाथ जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, हम अंग्रेजी भी जानते हैं और कई देशों में घूमे हैं। संकेत क्या होता है कि हमारा कद कुछ बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमें अंग्रेजी भी आती है।
और इसलिए प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय संत से बड़ी उपाधि नहीं दी गई है हमारे समाज में। ये क्या है? अज्ञानता का अंधकार है। और जब हृदय सुना हो जाता है, कहते हैं ना, सुने हृदय नहीं संवार। जिस हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं, विरह का समर्पण नहीं, तो परिणाम क्या होगा? उस हृदय में प्रीतम की स्वरूप की शोभा कहाँ से विराजमान होती? देखिए, लालदास जी ने बीतक में एक बहुत ऊंची बात कही है, अज्ञानी जलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल कहे अंग ठरे। अग्यारहवीं सदी कब पूरी होती है? 1745 में। अग्यारह जोलो रहे तोलो बहुत चाह धरे, 1745 में तो सागर सिंगार का उत्तरण हुआ होगा। भाव क्या है? 1748 में मार्फत सागर संपूर्ण होता है, 1751 में श्री जी की अंतर्ध्यान लीला होती है। मार्फत सागर के अवतरित होने के पश्चात महामती जी स्वयं चितवनी में बैठ जाते हैं और सब सुंदर साथ को आह्वान करते हैं कि सब सुंदर साथ जो आवश्य आइयो, अब हम धाम चलते हैं। मैं धाम चल रहा हूँ अर्थात मैं परम धाम को देख रहा हूँ, जिसकी इच्छा हो मेरे साथ आए। मैंने आपको जगाने के लिए परम धाम की वाणी दे दी। अब जिन सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनने के बाद भी विरह नहीं फूट रहा है, उनके लिए संध्या है, क्योंकि इसके बाद रात्रि आ जानी है। आप किसी तन में जाहिरी रूप से राज्य प्रकट होकर के लीला नहीं करेंगे। अभी तो बंगला जी दरबार में श्री जी के रूप में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। बीतक में क्या लिखा है? मोमिन सेवे कर मरद, सभी सुंदर साथ उनको अक्षरातीत का स्वरूप मानकर लीला कर रहा है। और मार्फत के दृश्य, अब मार्फत का ज्ञान दे दिया, दोपहर के का सूरज उगा है और उसने बता दिया। सिंगार में देखिए क्या लिखा है, हके हुक्म हाथ लिया जो दिया था मोहम्मद के से, अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम, सबके धाम हृदय में। अब मारिफत के ज्ञान अवतरित करना है तो शरीर के परतों को हटा दिया, सबको कह दिया कि तुम्हारे हर आत्मा के हृदय में पूरा परम धाम है, युगल स्वरूप है। आपको मेरे कथनों पर विश्वास नहीं आता है, सिंगार का दूसरा प्रकरण पढ़ लीजिए, हुक्मे इश्क का द्वार खुल गया है। उस प्रकरण में क्या बताया है? पुखराज कहाँ है? आपकी आत्मा के हृदय में। मानिक पहाड़ कहाँ है? आपकी आत्मा के हृदय में। 25 पक्ष कहाँ है? आपकी आत्मा के हृदय में। युगल स्वरूप कहाँ है? आपकी आत्मा के हृदय में। सुंदर सा तीन चौपाइयों को तो पढ़ता है, लेकिन सच पूछिए, क्या किसी को विश्वास है कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में मेरा प्रीतम रहता है? नहीं। एक बार नहीं, कितनी बार राजी ने कहा है, हक नजीक सेहरे से, किसी को विश्वास है? यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, क्या सबको विश्वास है? कह तो देंगे, लेकिन विश्वास किसी को नहीं है। पढ़ी पढ़ी बात कह देते हैं तो क्या कहते हैं? ये संध्या है हमारे लिए, क्योंकि ज्ञान के अनुसार हमारी आस्था परिपक्व नहीं है। ज्ञान सत्य को दर्शाता है, सत्य को देखने के बाद, जानने के बाद हमारी आस्था अटूट होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, यही हमें प्रीतम का दीदार करता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो रात्रि के समय में क्या होगा? रात्रि में प्रीतम नहीं मिलने वाले हैं। यदि ज्ञान का प्रकाश लिया लेकिन विरह की कमी हो गई, प्रेम की कमी हो गई, तो संध्या समय, उसके पश्चात फिर पुनः रात्रि जैसी स्थिति हो जाएगी। तो रात्रि में प्रीतम नहीं मिलेंगे, प्रकाश की वाणी इसी सत्य को उजागर कर रही। तुम अजहुना नींद निवारो जी। महामती जी के धाम हृदय से राज्य कर रहे हैं कि सुंदर साची, आप माया के निद्रा को नहीं छोड़ पा रहे हैं। देखिए, निद्रा जो हमें सुलाए रखती है, निद्रा में जब सो जाते हैं तो वाणी करिए कि विषय का रस निद्रा में, गहरी निद्रा में विषय के रस हमें पीड़ित करते हैं। मनुष्य विषयों की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि उसको लगता है
कि इन विषय आनंद के स्रोत हैं। एक नीतिकार ने क्या कहा है, दोषेण तीब्रो विषय, काले सर्फ के विष से भी भयंकर किसका विष होता है, विषय का विष। दोषेण तीब्रो विषय कृष्ण सर्फ विषातपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुराभ्यम। काले सर्प के विष से भी भयंकर विषय का विष होता है। काले सर्प का काटा हुआ तो एक बार मरता है, लेकिन विषय रूपी सर्प से काटा हुआ तो लाखों योनियों में भटकता रहता है। और जब अज्ञानता के निद्रे है तो बिखे विषयों विषय रस का विस्तार होगा, वो हमारे लिए घनघोर रात्रि रहेगी। यदि तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर अक्षरातीत को जान कर भी हम राज्य से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारे लिए घोर घनी रात्रि आ जाएगी। ऐसा न समझ लीजिए। अब देखिए, मैंने अभी समष्टि और व्यष्टि की बात की, सुंदर साथ समष्टि और व्यष्टि का अर्थ नहीं समझते हैं। समष्टि का अर्थ क्या होता है, सामूहिक। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्तिगत। 1751 के पश्चात श्री जी की अंतर्ध्यान लीला होती है। श्री जी गुम्मट जी में विराजमान हो जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, तीसरे सृष्ट विश्व सौ वर्षे प्रेम में पीवेगा शब्दों के सार। ईश्वरी सृष्टि की जागने के 30 वर्ष प्रारंभ होते हैं। 1745 से लेकर 30 तक, 1775 तक 30 साल ईश्वरी सृष्टि के, उसमें ज्ञान की प्रधानता रहती है। और उसके बाद जो 70 साल होते हैं 1845 तक, उसमें जीव सृष्टि का राज्य हो जाता है। चित्तवनी हट जाती है, वाणी का ज्ञान हट जाता है, शरीयत की प्रधानता हो जाती है। अब घरघोर रात्रि है, कोई बताने वाला नहीं कि प्राणनाथ कौन है। अब पूरे देश में जाइए, आजकल तो ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राणनाथ प्यारे की जय करने में भी झिझक होती है। आप प्राणनाथ जी को पहले नहीं कह सकते। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो सारी ऊर्जा इसमें लगा देता है कि प्राणनाथ जी कौन है, संत है, महापुरुष है। उन बेचारों के लिए मुझे बेचारा इसलिए कहना पड़ता है कि वो कठोर बातें मैं नहीं कहूँगा जो क्यामत नमा में कही है कि सूरज उगा है और किसी को ना दिखाई दे तो इसमें सूरज का दोष क्या है। आप चौपाई में पढ़ लीजिएगा। यदि मैं उस चौपाई के उन शब्दों का प्रयोग करूँ तो सुनने वालों को लगेगा कि हमें ही कहा जा रहा है। अब सोचिए, मारिफत के ज्ञान का सूरज उगा, बता दिया गया प्रकाशवाणी में अक्षरातीत कौन है और सीधे कह दिया, बड़ी बड़ाई दई आप थे लई इंद्रावती कंठ लगाई जी, आपने मुझे गले से लगाया अपने समान शोभा दी, सब सुंदर साथ के बीच में अक्षरातीत के रूप में जाहिर कर दिया। प्रकटवाणी की अंतिम चौपाइयों को देखिए, उसका सार क्या है। छठे दिन की लीला के पश्चात सातवें दिन की लीला में क्या होगा, सारा कुछ दे दिया गया है। ये प्रकाशवाणी बताती है। लेकिन आज 300 वर्षों से भी ज़्यादा समय बीत गया, आज भी सुंदर साथ के लिए घनघोर रात्रि का अंधकार छाया हुआ है। वाणी पढ़ते भी हैं लेकिन उनके लिए रात्रि है, क्योंकि वो प्राणनाथ को नहीं जानते, अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। देवी देवताओं को भी खुश करते हैं, अरे भाई सबका सम्मान कीजिए, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं कब कहता हूँ कि देव पुरुषों को कटु वचन कहिए, लेकिन अपने आराध्य को पहचानिए, आपकी आत्मा का प्रीतम केवल एक है। सती अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु शिव जाते हैं, पौराणिक कथा है। सती अनुसुईया पति का ध्यान करती है, संकल्प करती है कि आप तीनों बालक बन जाए, और त्रिदेवा बालक बन जाते हैं। यदि एक ऋषि की पत्नी त्रिदेवा को बालक बना देती है और आप तो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, इनकी मूर्तियों के आगे साष्टांग लेट जाते हैं, इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होगी। सोचिए, हमारी निष्ठा ही यदि चली गई तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। आपकी निष्ठा एक पतिव्रता की होनी चाहिए। एक पतिव्रता का धन सबसे बड़ा क्या होता है, सच्चा प्रेम, अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। यदि यह चला गया तो कुछ नहीं। प्रकाश की वाणी यही दर्शाती है, सबके लिए एक दर्पण है। जो भूल पहले तन से होती है कि उस तन में बैठे होने पर भी चिट्ठियां लिखवाई जाती है, दूसरे तन से सूरज का प्रकाश के समान दोपहर का सूरज की तरह ज्ञान फैल जाता है, सबको अवसर दिया जाता है समष्टि रूप में।
लेकिन उसके पश्चात आज भी तारतम वाणी वही है, चौपहिया वही है। अब हमारे ऊपर है कि हम प्रातः काल के उजाले वाली स्थिति में हैं, दोपहर के प्रकाश की स्थिति में हैं, शाम ढलने की अवस्था में है या घनघोर रात्रि के ऊपर है। ये प्रकाशवाणी उस तराजू की तरह है जो हमें तौलने के लिए विवश कर रही है कि हम जागने के पलड़े पर हमारी स्थिति क्या है, हमारा पलड़ा ऊंचा है या माया का पलड़ा ऊंचा है। मेरा समय पूरा होता है, मैं आशा करूंगा कि समाज मेरी आज की कठोर बातों को विशाल हृदय से सहन करने की सामर्थ्य रखेगा, क्योंकि जब प्रकाश का अर्थ ही होता है सत्य का प्रकाश करना, सत्य का प्रकाश करने में अंधकार को तो हटाना ही पड़ेगा, तो इसमें उस सत्य के प्रकाश का कोई दोष नहीं है। अंधेरा कुछ कट शब्द बोल देगा तो सत्य को भी सुनने के लिए आत्मबल रखना पड़ता है। और मुझे विश्वास है कि यह संसार सुंदर साथ का भी समूह जो उपहार देगा मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, लेकिन ये तो प्रकाश की चर्चा में कहना ही पड़ेगा। अक्षरातीत इस जागनी ब्रह्मांड में महामती जी के धाम हृदय में आए, प्राणत के स्वरूप में आए, सब सुंदर साथ ने उनकी पहचान की और आज भी आवश्यकता है उस स्वरूप को पहचाने की, और वो हमारा प्राणेश्वर हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। पहचान पियू सुख लीजिए, तुम अपना आप वार डारो जी, संझा लगे धनी रहसी साथ कारण, संझा लगे होसी रह साथ कारण, तुम अजहून नींद निवारो जी, तुम अजहून नींद निवारो जी, पहचान पियू सुख लीजिए, पहचान पियू सुख लीजिए, तुम अपना आप वार डारो जी, तुम अपना आप वार डारो जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।